नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ खास कार्यक्रम बजट से जुड़ा हुआ। हरियाणा का बजट आज पेश हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री यानी कि मनोहर लाल जी गदगद हैं और कह रहे हैं कि एक दफा फिर नंबर वन यानी फर्स्ट क्लास का बजट पेश किया है, लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन के नेता कह रहे हैं कि ये ढाई घंटे का भाषण था, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तमाम तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। एक और नेता हैं जो सदन से आजकल बाहर हो गए हैं, वन मैन आर्मी जिनको मैं कहता रहता हूं, लिखा रहते हुए भी हरियाणा की राजनीति में उनका जबरदस्त हस्तक्षेप है और बिना उनसे बात किए हुए कोई कहानी हरियाणा की राजनीति की पूरी हो नहीं सकती। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। INLD से अभय सिंह चौटाला जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सदन में रहते तो जलवा रहता, मैं स्पीकर साहब से बात कर रहा था सदन शुरू होने के पहले, ये बजट सत्र शुरू होने के पहले, कह रहा था कि एक कमी महसूस होगी आपको, बार बार आपको माइक का वॉल्यूम डाउन कराना पड़ता था, तो इस बार तो थोड़ी सी राहत रहेगी। नहीं, स्पीकर ने आगे से क्या कहा फिर आपसे? मुस्कुराने लगे, बोले कि हाँ थोड़ा सा तो माथे का पसीना कम ही रहेगा। मैं जब रिजाइन करने जा रहा था जी, मेरे पास बहुत सारे पॉलिटिशियंस के फोन आए, बहुतों ने ये कोशिश करी कि मैं रिजाइन ना करूं। मैंने उनसे कहा भी आपको तो राहत मिलेगी, कांग्रेस के कुछ नेता थे जो कह रहे थे, मैंने कहा कि कल को बजट आएगा और मैं सेशन में हूंगा तो जितनी भाजपा की पोल खुलेगी, जितनी भाजपा ही ने कृषि कानूनों के लेकर के जुम्मेवार है, उससे ज्यादा बड़े जुम्मेवार तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस अगर ड्राफ्ट तैयार ना करती, कांग्रेस अगर 2012 में बिल के रूप में इसको प्रस्तुत ना करती, वो बिल उस वक्त इसलिए ठंडे बस्ते में चला गया था कि कांग्रेस के पास नंबर नहीं थे, कांग्रेस को अनेक छोटे छोटे रीजनल दलों के लोगों ने सपोर्ट किया हुआ था, जिन्होंने तुरंत उस बिल को पढ़ते ही ये कह दिया था कि अगर इसको तुम वापस नहीं लोगे तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, तुम्हारी सरकार गिर सकती है। सरकार कैसे बची रहे इसके लिए उन्होंने फिर कमेटी को सौंप दिया, लेकिन बीजेपी जैसी पूर्ण बहुमत में आई उसने तुरंत ये फैसला कर लिया कि अब हम इन बिलों को लागू करेंगे। आज प्रदेश की जनता जो है, प्रदेश का किसान आज जो लाखों की संख्या में इन बिलों का विरोध कर रहा है, जो धरनों पे बैठा है, जो लगातार आंदोलन कर रहा है, 5 वर्ष से बच्चे से लेकर के 85 वर्ष के बुजुर्ग जो है, माइनस टेम्परेचर के अंदर, बारिश के अंदर, अब ये अतिवी गर्मी में लगातार सरकार से कह रहा है कि ना हमने आपसे मांगे, ना हमने आपको इसके लिए कोई कभी मेमोरेंडम दिया, ना किसी किसान संगठन ने आकर के आपसे बात करी, तो आपने जो कहीं गलत किया है इसको आप ठीक करो, आप इसको वापस लो और MSP की गारंटी दे करके, MSP का कानून बना करके हमें किसान को, अन्नदाता को, जहां बीजेपी ने अपने भाषणों में कहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा, यहां तक भी कहा था कि जो फसल का लागत मूल्य उससे 50% ज्यादा दूंगा, ये भी कहा था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। कर्जा दूर की बात है, आप माफ करो नहीं करो, लेकिन आप अपने उस वायदे को पूरा करो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2G के साथ लागू करो। ये सदन में और रहते तो ज्यादा बेहतर नहीं रहता? अभी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी ये सब बात कह सकते थे, बजट तो में भी कह सकते थे। आप है ना, मेरी बात कम सुनते हो। मैं, मेरे ऊपर आरोप है कि सबसे ज्यादा आपके ही सुनता हूँ मैं। अगर प्रधानमंत्री अपनी जबान पे रहे तो फिर 50% लागत का ज्यादा देना चाहिए ताकि किसान जो है मजबूत हो जाए। MSP लागू करनी चाहिए पूरे देश में, ताकि पूरे देश का किसान आज दो मजदूर के रूप में, चाहे वो महाराष्ट्र का है, चाहे आपके बिहार का है, चाहे उड़ीसा का है, वो आज इसलिए वहां का किसान पंजाब और हरियाणा में मजदूरी करने के लिए आता है, बंगाल तक का, क्योंकि वहां MSP नहीं है। अगर वहां MSP होगी तो वो किसान भी खुशहाल होगा, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ सकेंगे, वो भी अपने जगह बना पाएगा, कहीं कल को उसको भी एक सम्मान मिलेगा,
उसको भी किसान कहकर के लोग पुकारेंगे, जिसे आज मजदूर के रूप में देखा जाता है। आपके इस्तीफा से लगता है कि इस आंदोलन को सपोर्ट मिल जाएगा, या अब आपको लगता है कि अगर आप सदन में रहते, जो बात आप अभी यहाँ कह रहे हैं, ठीक है आप अलग अलग सभाएं कर रहे हैं, मीडिया में भी आप लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सदन पे अगर आप रहते और ये आवाज उठाते। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया था कि जो कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में मेन आज विपक्ष में है, उसको विपक्ष की जहां भूमिका निभानी चाहिए थी। जो लगातार ये कह रहे थे कि हम किसान के हितैषी हैं, वो किसान के सबसे बड़े दुश्मन थे। तो आपने कांग्रेस सुनो बात, आगे आगे सुनो, पहले आप बात इसलिए नहीं दिया कि कोई कांग्रेस की वजह से इस्तीफा दिया। कांग्रेस का जो आज अपोजिशन का लीडर जो हमारे प्रदेश का है, वो बीजेपी के एजेंट के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझते हो कि जब हमारा राज्यसभा का चुनाव था और मैं एलओपी था, उस वक्त में सुभाष चंद्र को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया था और सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सारे एमएलए को अपने घर पे बुला करके इंस्ट्रक्शन दी थी कि आर के आनंद के पक्ष में वोट डालना है। आर के आनंद कोई हमारी पार्टी का कैंडिडेट नहीं था, कांग्रेस के लोगों ने हमारे से बात करी और ये तय हुआ था कि कोई बीच का एक ऐसा आदमी लेकर के आओ जिसपे कांग्रेस भी सहमत हो और आप भी सहमत हो जाओ। ये नाम कांग्रेस की तरफ से आया था हमारे पास और उनकी तरफ से जब नाम आया तो हमने उस पर सहमति जताई और कांग्रेस ने जहां अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी, इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने मित्र को खुश करने के लिए, देश के प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए, अपने मुकदमों से बचने के लिए कांग्रेस की परवाह नहीं करी। उसने अपना वोट दिखाया नहीं, वोट जो दिखाया वो बैलेट खाली था, उस पर कहीं उसने टिक नहीं किया हुआ था। 14 लोगों ने अपने पेन की स्याही बदली, तो धोखा किसने किया? हमने किया, कांग्रेस ने किया। तो मतलब सुनो, हाँ। जो हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि ये बी टीम है बीजेपी की, कौन बी टीम बनी हुआ? भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस वक्त में एजेंट के रूप में काम करके गया बीजेपी का। दोबारा जब इसका बेटा चुनाव लड़ रहा था, आप थोड़ा सा उस पर गौर करो, राजस्थान में भी चुनाव थे, अन्य और प्रदेशों में भी चुनाव थे, बिहार में, मध्य प्रदेश में चुनाव थे, छत्तीसगढ़ में चुनाव थे, जहां कांग्रेस के पास आंकड़ा, बीजेपी के पास आंकड़ा पूरा नहीं था एमएलए का, वहां भी उन्होंने दो दो कैंडिडेट खड़े किए। राजस्थान में एक बड़ी मुश्किल से जीत पा रहा था, दूसरा भी खड़ा किया, सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग करवा करके जीतना चाहते थे। हरियाणा के अंदर तो सिर्फ एक वोट का मार्जिन था इनका, बीजेपी अगर अपना कैंडिडेट खड़ा करती तो 100 का 100 भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारता, इसका छोरा जो है, क्योंकि कांग्रेस के 8 एमएलए इसके अगेंस्ट वोट करके आते। उस वक्त इन्होंने इसका एहसान उतारा, बीजेपी और कांग्रेस ने मिल करके कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करके उसको जिताने का काम किया इस बीजेपी ने। अब सुनो अगली ओर, सुनो अगली ओर, सुनो तीसरा। हमारे यहां जब सेशन आया पिछला, इससे पहले वाला, उसमें सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया था, नए कानून बने थे और वो इस कानून के ऊपर यहां मोर लगाना चाहते थे बीजेपी के लोग। हुड्डा की जिम्मेवारी बनती थी कि उस वक्त जब ये कानून बनकर के आए थे, अर्जन मोशन देना चाहिए था, कोई अर्जन मोशन नहीं दिया। मैंने उस पर कॉलिंग अटेंशन दी थी और मेरी कॉलिंग अटेंशन को उन्होंने ये कह करके डिसअलाउ किया कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव आ रहा है, आप उस पर चर्चा कर लेना। मैंने कहा ठीक, अगर सरकार की तरफ से आता है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस के लोगों ने ना कॉलिंग अटेंशन दी, ना कोई अर्जेंट मोशन दिया, ना जीरो ओवर में कहीं कोई शोर मचा, खड़े हुए बोले कि आज इस तरह का इशू, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जब उनका प्रस्ताव आ गया तो कांग्रेस के लोगों ने स्पीकर की वेल में जाकर के अपने आप को नेम करवाया और हुड्डा तो नेम भी नहीं हुआ था, हुड्डा और किरण तो दोनों वॉकआउट करके गए, जबकि उन बिलों के ऊपर उस वक्त उनको जब प्रस्ताव आया चर्चा करनी चाहिए थी, किसान की बात कहनी चाहिए थी। किसान की बात कहने की बजाय सरकार को मौका दिया, बाहर चले गए। मैं अकेला था जिसने 50 मिनट लड़ाई लड़ी और मैंने उसी टाइम यह फैसला कर लिया था कि मैं ऐसे लोगों को जरूर बेनकाब करूंगा जो केवल किसान का नाम लेकर के कहीं धरनों में जाते हैं, कहीं किसान के आंदोलन में शामिल होकर के कहते हैं कि हम किसान के साथ हैं, सरकार के साथ नहीं है। आज उन कांग्रेसियों के चेहरे भी उजागर हो गए, आज जो इंडिपेंडेंट शोर मचाते थे वो भी नंगे हो गए, आज जो जेजेपी वाले सबसे ज्यादा बोलते थे
आज उनके तो बिल्कुल हमारे कहते हैं कि जामड़ लग गया, उनके तो जामड़ ही लग गया एक तरह से। जो दुर्गति उनकी होगी आने वाले टाइम में, वो मेरे ख्याल बीजेपी की भी नहीं होगी। वहां भी हुड्डा ने जो है बीजेपी के एजेंट के रूप में काम किया। अब जब ये एड्रेस पे चर्चा हुई, मेन विपक्ष पार्टी कांग्रेस थी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब बोल लिया तो 22 मिनट तक इसने बोला, जबकि इसको ये नहीं था कि कोई टाइम बाउंड था। स्पीकर ने कहा था आप जितनी देर मर्जी चर्चा करो, क्योंकि आप अपोजिशन लीडर हो, आपको जितना समय चाहिए हम आपको समय देंगे। 22 मिनट गिन के ये बोला है, ये तो रिकॉर्ड की चीजें होती है। उसमें 8 मिनट पहले जो है इसने किसान की बात करी, 8 मिनट में भी बीच में टोका टिप्पणी भी हुई, तो मुझे नहीं लगता कि 8 मिनट भी ये किसान की पैरवी कर सका। जबकि इसकी जिम्मेवारी ये बनती थी कि सरकार को लगातार इस किसान के इश्यू पे एक एक पॉइंट के ऊपर सरकार की घेराबंदी करनी चाहिए थी, सरकार को मजबूर करना चाहिए था, लेकिन करे क्या, बेचारे खुद फंसे हुए थे। अडानी को यहां अगर सेलो सबसे पहले किसी ने दिए, किसी ने लाइसेंस दिए, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिए। कैथल के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गवर्नमेंट के अंदर बहुत बड़े बड़े सेलोज लगे, जिनका लाइसेंस हुड्डा ने दिया, हुड्डा ने जमीन प्रोवाइड कराई। इसी तरह अंबानी को अगर किसी ने लिया करके इस प्रदेश में पनपाने का काम किया, तो इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो झज्जर का हमारा इलाका है, जिस जमीन की कीमत आज 2.5-3 करोड़ रुपए है, इसने नोटिस दे करके एक्वायर के और लोगों की जमीन महंगी सस्ते में लेकर के इसको रिलायंस को दी थी। ये तो पहले से ही, उसके बाद अगली भी सुनो, जितनी भी पावर जो है आज प्राइवेट पावर ली जा रही है, हुड्डा सिग्नेटरी है उसके अंदर, इसके राज के अंदर महंगी बिजली अडानी से खरीद के हरियाणा को दी गई थी, जबकि हरियाणा के थर्मल पावर प्लांट जो बिजली बनाते थे, जो सस्ती बिजली लोगों को मिलती थी, उनको इन्होंने बंद कर दिया। तो दलाल है कि नहीं है, वो तो कभी मेरी बात हो रही थी किससे, हमने हुड्डा साहब से, हाँ। तो वो कह रहे थे कि, मैंने कहा कि अभय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कह रहे थे कि 22 मिनट में 8 मिनट ही आप किसान पे बोले, तो वो कह रहे थे कि उनको चाहिए था सदन में रहना, मैदान छोड़ करके भाग गए, वहां रहते और आवाज उठाते। मैं अगर वहां होता तो फिर इनकी पोल थोड़ी खुलती, इनके चेहरे थोड़े बेनकाब होते, जो सारा दिन झूठ बोलते थे। अब ये हुड्डा रोज किसी ना किसी, कभी तो अपने रोहतक के साथ एक वो बना हुआ है आपका, ये क्या कहते हैं इसको, जहाँ टैक्स वसूलते हैं गाड़ियों वालों से, टोल जो है उस टोल पे जाता था, कभी कबड्डी का मैच के बहाने से टिकरी बॉर्डर पे जाता था। अब कहीं जाके दिखाए ना, लोग जाते जो है इसके असली रूप जो सामने आ गया कि बीजेपी से मिला हुआ है, लोग जाते ही कपड़े फाड़ लेंगे, लोग जाते ही पूछेंगे कि तू विधानसभा के अंदर किसान के बारे में क्या कहकर के आया, बता हमें। एक शब्द भी ढंग से नहीं बोल पाया, एक बार भी। सरकार जब बारी बारी अपनी तरफ से थ्रेट कर रही थी, मुख्यमंत्री कह रहा था कि ये कानून रहेगा रहेगा रहेगा, एक बार इस आदमी ने विरोध नहीं किया उस बात का। तीन दफा सुनो आप, कट्टर साहब ने लगातार उसके बाद दमखम के साथ का। उसके इलायदा एक चीज और बता देता हूँ आपको, कृषि मंत्री ने जिस तरह से यहाँ आंदोलन में बैठे हुए किसानों को अपमानित किया, जो जिनकी डेथ हुई, जो आंदोलन करते हुए शहीद हुए एक तरह से, उनके बारे में उसने कहा था इन्होंने तो मरना ही था, उनका अपमान किया था। यहां तक भी दलाल खाप जो है उसने भी उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, उसने भी कहा कि तू अब हमारी बिरादरी से बाहर है, जिसपे इस तरह की मोर लग चुकी थी। वो व्यक्ति विधानसभा में बोल रहा था, और ये 30 जो है सामने किसी एक की हिम्मत नहीं हुई कि उसको बोलने से रोका जाए। अगर मैं उसकी जगह पे होता, आज वो MLA 30 मेरे साथ होते, तो दलाल पहले माफी मांगता, और माफी नहीं, मैं दलाल को हाउस में भी नहीं घुसने देता। मैं कहता पहले इसको बार करो, फिर हाउस चलेगा, क्योंकि इसने किसान का अपमान किया। तो मतलब जो मैं आपको समझ पा रहा हूँ, अगर कांग्रेस है एक तरफ बीजेपी है, तो बीजेपी बेटर है कांग्रेस से, इसका मतलब? दोनों एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं, दोनों मिले हैं पूरी तरह से, दोनों ए और बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है जजपा सी टीम आजकल, क्योंकि उसके कुछ MLA बेचारे खड़े होकर के जितना होता है दमखम दिखाते हैं अपना, कोशिश करते हैं सरकार को कहीं कटघरे में खड़ा करने की, लेकिन फूंक उनकी भी तब निकल जाती है जब उनको विप का वो एक लिखा हुआ कागज का टुकड़ा दिखा देते हैं ना, कि
इसके अगेंस्ट जाओगे तो तुम्हारी मेंबरशिप चली जाएगी, फिर वो भी वहीं जाकर के अपना शांत हो जाते हैं साथ के साथ। ठीक है, बजट आज आ गया और खट्टर साहब ने तकरीबन 2.5 घंटे का भाषण दिया बजट का, और हेल्थ में बजट का इजाफा, शिक्षा में बजट का इजाफा, बहुत सारे जगह पे बजट जो है वो बढ़ा है, 1,55,000 करोड़ समथिंग का इस बार बजट है, शायद 17 या 18% पिछले साल की तुलना में बजट का इजाफा है, और वो भी तब जब कोरोना के समय में। मुख्यमंत्री जी ये क्यों नहीं बता पाए साथ साथ कि मैंने कितना कर्ज और लिया है, कर्ज और कितना बढ़ा है, प्रदेश के आम नागरिक पे, सरकार पे नहीं बढ़ता कर्ज, कोई भी कर्जा अगर सरकार में बढ़ेगा तो आम नागरिक पे बढ़ेगा। ये सरकार तो वो सरकार है जिस सरकार ने एक स्लोगन पढ़ रखा है, उसमें लिखा है जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लियो और घी पियो। ये तो घी भी नहीं पीते, ये तो लोगों का खून चूसते हैं, खून पीते हैं। लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था की हालत है आज की तारीख में, मुझे हैरानी उस वक्त हुई थी जब मुख्यमंत्री ये कह करके भावुक हो रहा था कि आज जो है महिला दिवस है, इस महिला दिवस पे महिलाओं को ट्रैक्टर का रस्सा खींचने पे कांग्रेस मजबूर कर दी। ये ठीक है, कांग्रेस ने सही नहीं किया, कांग्रेस ने भी महिला दिवस के ऊपर महेंद्र सिंह हुड्डा को उस ट्रैक्टर पे बैठने के बजाय महिलाओं को बैठा करके उस ट्रैक्टर को अंदर लेकर के आते तो उससे उनकी इज्जत बढ़ती। लेकिन अगर कहीं ये आदमी का काम कर रहा हो तब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। हुड्डा तो कहीं उस पर बैठ करके अपने आप को ये दिखाना चाहता था कि मैं इन सब मेरे MLA को जो है हांक सकता हूँ जैसे मर्जी, एक तानाशाह की तरह उस पर बैठ कर के आया था, और MLA उसके उसके ट्रैक्टर को खींच के ले जा रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी घड़ियाली आंसू भाए, मुख्यमंत्री ने भी, मैं इमोशनल हुआ। मुख्यमंत्री तब इमोशनल क्यों नहीं होता जब यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर हर रोज 3 महिलाओं के साथ रेप होता है, हर रोज महिलाओं के अपहरण होते हैं, हर रोज महिलाओं को मारा जाता है, तब एक दिन भी मुख्यमंत्री कभी प्रेस के रूबरू होते हुए इमोशनल नहीं हुआ कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए मेरे प्रदेश में महिलाओं पे इस तरह के अत्याचार होने। थोड़े से मुकदमे नहीं, पिछले 6 महीने में 9,000 से ऊपर जो है इसमें होगा, देखना 9,000 से ऊपर जो है केस जो है महिलाओं के अपराध के, महिलाओं के ऊपर अपराध के इस प्रदेश में दर्ज हुए। इतना छोटा सा प्रदेश है, अगर उसमें इस तरह की संख्या है आपको हैरानी होगी। ये देखो जो 2020 के पहले 6 माह के आंकड़े जो है, जो सरकार ने वहां नहीं बताए किसी को, ना इन कांग्रेसियों ने वहां जिक्र किया महिलाओं के बारे में। अपहरण की जो हत्याएं जो हुई है वो हुई है 488 6 महीने में। उसके बाद बलात्कार के जो केस हैं वो है 657। उसके बाद गैंगरेप के केस हैं 66। अपहरण के जो केस हैं वो हैं 1152। उसके बाद महिलाओं के विरुद्ध अपराध के जो मामले हैं वो है 4893। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये कोई मैं अपनी कलम से लिख करके नहीं बैठा यहाँ पे। लेकिन जब ये इस तरह के अपराध बढ़े हैं इनके ऊपर, जब इस तरह से उनको महिलाओं को जो है कहीं उनके जीने के अधिकार के ऊपर सरकार की तरफ से कैसे उनका सम्मान बढ़े उसके लिए बारी बारी महिला थानों की बात करते हैं, बारी बारी महिलाओं को पुलिस में ज्यादा भर्ती की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। और अपराध जो बढ़ रहा है उसका एक मुख्य कारण हो रहा है, मैंने पिछले विधानसभा में जो इससे पहले जो विधानसभा थी उसमें बड़ा खुल करके कहा था कि हमारे प्रदेश में आज नशे की चपेट में आया हुआ है, इस प्रदेश को नशे ने बर्बाद कर दिया है। और यहाँ तक भी उनके प्रदेश के अध्यक्ष के साथ जो व्यक्ति पुलिस ने पकड़ा था, जो चिट्टा बेचने का काम करता था, वो बराड़ा की गाड़ी में रहता था। मैंने फोटोओं के साथ, सबूत के साथ सारी चीज दिखाई थी कि ऐसे लोग अगर ऐसों को संरक्षण देंगे तो फिर ये नशा खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने कहा हम इंक्वायरी कराएंगे, उसकी इंक्वायरी तो बहुत दूर की बात है, उस अपराधी को छोड़ भी दिया गया।
ये जो महिलाओं के खिलाफ जो जितने भी अपराध बढ़ते हैं उसमें मुख्य कारण एक नशा भी है, और नशे के लिए यहाँ पे एक जिस तरह से SIT का गठन होता है उसी तरह से एक अलग से किस नशे की रोकथाम के लिए एक एडिशनल DG की अध्यक्षता के अंदर एक टीम बनाई गई, जिसमें 360 के करीब 360 के करीब कर्मचारी लेने थे। अब तक 66 लोगों की भर्ती हुई है, और उस ADGP का ये बयान आया था कि मेरे लिए अब तक बैठने का कोई ऑफिस नहीं है, मैं उस अपराध के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ूंगा जो आज नौजवान को खत्म करने जा रहा है, मेरे पास कमरा नहीं है, मेरे पास स्टाफ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 7 महीने से ज्यादा का समय हो गया। तो सरकार कहां सोई हुई है आप इससे अंदाजा लगा लो। मुख्यमंत्री कहीं बजट के किताब को पढ़ करके खुश हो रहा है, अधिकारी लिख करके देते हैं बजट की किताब जो है, मुख्यमंत्री नहीं लिखता। ठीक है, उसी किताब में और जो भाषण पढ़ रहे थे, एक रोजगार पे भी मुख्यमंत्री कह रहे थे बतौर वित्त मंत्री कि इस बार रोजगार पे भी खास फोकस रहेगा, और अभी 75% जो नौकरियां हैं उसमें 75% हरियाणवियों के लिए आरक्षण रहेगा, यानी उनको नौकरी मिलेगी। ये भी एक कानून बन गया है जिसको लेकर के DPT CM गवर्नर का भी धन्यवाद कराए हैं, जो उनके मैनिफेस्टो में भी था। आप मुझे एक चीज बताओ, जिस प्रदेश के अंदर पानी की कमी होगी, जिस प्रदेश के अंदर बिजली की कमी होगी, जिस प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ना के बराबर होगा, जहां सरकार में बैठे लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे होंगे, मुख्यमंत्री मंत्रियों की बात नहीं मानता, मंत्री मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते, फिर एक दूसरे से बात करने के बजाय चिट्ठियां लिखते हैं, और उन चिट्ठियों का महत्व खत्म हो जाता है। अगर आप कोई चिट्ठी अपने ऑफिस को लिखो और अगर आपको संतोषजनक जवाब उसका नहीं मिले, क्या आप उस ऑफिस में काम करोगे? हमारे यहाँ तो 2 सीनियर मिनिस्टरों ने, जिस डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात करो, उसने 2 अधिकारियों के खिलाफ चीफ मिनिस्टर को लिखा कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई करो, आप इनको सस्पेंड करो, इन्होंने ये अनियमितताएं करी है। वो चिट्ठी डस्टबिन में चली गई। इस विजय अनिल ने, जो अपने आप को सबसे पावरफुल मिनिस्टर मानता है, उसने अनेक दफा CID वाले वक्त में भी चिट्ठियां लिखी, जब CID का अधिकारी उसने अपने अधीन कर लिया चीफ मिनिस्टर। अब DGP का जब समय पूरा हो गया तो इस DGP वाले इशू के ऊपर भी चिट्ठी लिखी। SIT का शराब घोटाले में गठन हुआ, उन्होंने SIT बनाई थी, चीफ मिनिस्टर ने SIT बना दी, उस वक्त भी अनेक चिट्ठियां लिखी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। जब SIT की रिपोर्ट आई, इसने कहा इसको उजागर करो, तो उजागर करने के बजाय विजिलेंस का विभाग बिठा दिया उसे, विजिलेंस ने इंक्वायरी करके दे दी, उस इंक्वायरी को टेबल करने के बजाय अब कैसे उनको अपने मंत्रिमंडल के लोगों को बचाया जाए, कैसे सरकार के साथ जुड़े हुए लोगों को बचाया जाए, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी को दे दिया कि चीफ सेक्रेटरी जो है रिपोर्ट की स्टडी कर रहा है, वो बताएगा, उसके बाद हम इसको टेबल कर देंगे, बता देंगे लोगों को, ये सेशन निकाल देंगे, उसके बाद 6 महीने पे बात जा पड़ेगी, फिर कैसे इनको बचाया जाए उसके लिए बचाएंगे या उसको ठंडे बस्ते में फेंक देंगे। तो जिस सरकार की हालत ऐसी होगी, वहां पर उम्मीद कैसे कर सकते हो कि कोई नया कारखाना आ जाएगा, कोई नए लोग आकर के कोई इंडस्ट्री लगा लेंगे? मुख्यमंत्री खुद ये बात कहता है कि हमारी इंडस्ट्री का बिजनेस जो है 25% रह गया, तो जहां इंडस्ट्री का बिजनेस 25% रह जाएगा वहां कौन लेगा इंडस्ट्री? किसी का दिमाग खराब है जो बिना मतलब अपना पैसा लेकर के इस प्रदेश में अपना बर्बाद कर देगा? यहां तो आज की डेट के अंदर आप अगर कोई पंचायत के आप सरपंच हैं और आपको ग्रांट चाहिए तो उसके लिए भी 2% पैसा देना पड़ता है। अगर यहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम कराना है तो वहां दलाल बैठे हैं, कोई 5% मांगता है, कोई 7, कोई 10, कोई 12, कोई 15% तक पैसे दिए जाते हैं। आपको यकीन ना हो तो कल मेरे साथ चलो, टोपा टोपा पहन लो, थोड़ा सा कोई पहचान ना आपको, और मैं किसी ऐसे आदमी को भेज दूंगा कि ये फलाने गांव का सरपंच है, इसको भाई ग्रांट चाहिए, और आप वहां गड्डी दिखा देना साथ के साथ, वो गड्डी भी मैं ही दे दूंगा आपको, वो तुरंत आपसे पैसा ले लेंगे और उस गाँव की ग्रांट रिलीज कर देंगे। ये हालत जिस प्रदेश की होगी उसमें कोई आकर के कैसे अपना कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू करेगा? तो मतलब यहाँ से तो रोजगार यहाँ से भी तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है, बकवास है। रोज अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ,
आप किस लिए, अगर आप रोजगार देना चाहते हो किसी को तो आप रोजाना डीसी रेट पे क्यों लगा रहे हो, आप डेली वेजेस पे क्यों लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो? ठेका प्रथा खत्म कर दो फिर, आप पोस्टें निकालो लगाओ, कोई रोकता है? हमारे प्रदेश में रोज कैसे बेरोजगारी खत्म होगी? 26.4% आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर है। आप कह रहे हो कि हम उनकी बेरोजगारी को दूर कर देंगे, 13 पोस्टें थी पीएन की, यहाँ आपके पानीपत की कोर्ट के अंदर निकली, 27,000 लोगों ने उसके फार्म भरे 13 पोस्टों के अगेंस्ट, और उस 27,000 के अंदर पीएचडी भी थे, उसमें एमटेक भी थे, उसमें एमएससी भी थे, उसके अंदर ग्रेजुएट का तो अंदाजा ही नहीं था कितना था, जो सिर्फ 8वीं पास के लिए निकली थी। तो 75% वाली बात कहाँ लगाओगे आप, ये तो बताओ मुझे। चलिए एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, वो ये है कि वृद्धा पेंशन पे भी सरकार ने इजाफा कर दिया, अब 2,500 के आसपास वृद्धा पेंशन मिलेगा। अब सरकार कह रही है कि हमने बढ़ा दिया और इसको स्नेह स्नेह बढ़ाएंगे, कई बार ये सवाल उठा कि मैनिफेस्टो चाहे वो बीजेपी का हो या जेजेपी का हो, अलग अलग उसमें आंकड़े दिए गए थे। तो बीजेपी का एक वायदा था कि हम हर महीने 200 रुपए बढ़ाएंगे, हर महीने बढ़ाएंगे, हर साल। पिछले साल में 200 रुपए बीजेपी ने बढ़ाए, जो 5100 की बात करते थे उनके तो 51 भी नहीं बढ़े, 50 ही बढ़े थे, वो तो 51 रुपए भी नहीं बढ़ा सके, उनके खाते में 50 रुपए बढ़ाए गए थे। लेकिन अब की बार तो बीजेपी ने भी अपने खाते के पैसे पूरे नहीं किए, जो उनका वायदा था कि हम 5 साल में 3100 कर देंगे, उन्होंने तो इस वर्ष में 127 रुपए टोटल महीने के हिसाब से बढ़े हैं, 3 महीने का पैसा ही खा गए, 187 वही बताया मैंने, 187 रुपए जो है टोटल बढ़े, 13 रुपए ये अपने भी खा गए अब की बार, उनके तो बढ़े ही नहीं, जेजेपी के खाते में तो कोई 5 पैसा भी नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले भी खा गए, मुख्यमंत्री भी खा गया। चलिए मतलब एक आखिरी सवाल आपसे ये कि बजट मतलब ऐसा भी एक हो गया है कि मैं कहीं बैठा था तो मैंने कहा कि अगर ऑपोजिशन में है बजट अगर अच्छा भी हो तो एक लाइन कहना है कि ये बजट तो बेकार है, मतलब चाहे आप सत्ता में रहें विपक्ष में रहें कोई भी पार्टी रहे, वो कुछ लाइनें रहती हैं कि सब छलावा है दिखावा है कुछ नहीं, पूरे बजट में कहीं कुछ आपको दिखा कि जिसकी तारीफ कर आपने, आपने सीने पे पत्थर रख के ही सही? सुनो सर, मैं बैठा बैठा बजट का जब आ रहा था सारा, यहीं बैठा था ऑफिस में बैठ के देख रहा था, एजुकेशन के ऊपर 18,400 कुछ करोड़ रुपया इसमें दिखाया गया, तो मैंने आर एस चौधरी साहब हैं जो सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर रहे हैं वो मेरे साथ बैठे थे, मैंने उनसे कहा था चौधरी साहब देखो पिछले वर्ष कितना था, पिछले साल 14,000 कुछ था, 15,000 कुछ समथिंग था, तो मैंने कहा मैं एजुकेशन में तो अब की बार शायद सरकार जो है कुछ आगे अच्छा करना चाहती होगी, इसलिए इन्होंने शायद ये बजट बढ़ाया है। लेकिन दूसरी तरफ प्राइमरी स्कूलों को प्ले स्कूल बना करके प्राइवेट एजेंसियों के हाथों में देने की बात भी इसमें कही गई मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन उसमें आप एक चीज को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, जहां टेक्निकल एजुकेशन का पिछले वर्ष में 1500 करोड़ के लगभग का बजट था, उस टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो टेक्निकल एजुकेशन का उसका बजट 700 करोड़ रुपया कम कर दिया। आज कहते तो ये है कि पूरी की पूरी एजुकेशन जो है वो आज टेक्निकल तौर के ऊपर आपकी इसकी तरफ बढ़ रही है, साइंस की इसकी तरफ जो डिजिटलाइजेशन की तरफ, सरकार केंद्र की भी प्रदेश की भी चाहती है कि हम इसको इस तरफ आगे बढ़ाने का ज्यादा काम करें, लेकिन उसमें बजट कम कर दिया, वहां बजट कम करके वो पैसा इसके साथ ला करके जोड़ दिया। इस तरह से अभी मैंने उसको पूरा स्टडी नहीं किया बजट को, मैं परसों प्रेस के रूबरू हूंगा, मैं आपसे भी चाहूंगा कि परसों आपसे बात हो जी। मैं आपको एक एक डिपार्टमेंट में कितना कितना पैसा सरकार आगे अगले साल में खर्च कर सकती है मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, आप किसी भी एक्सपर्ट से उस बात का पता करवा लेना, जो बात मैं आपके सामने रखूंगा वो तथ्यों पर आधारित होगी, ना कि कोई किसी मुझे किसी ने सिखाया और बताया, मैं उसके हिसाब से आपको बता दूंगा, मैं सब उसको एक एक चीज को वॉच करूंगा देखूंगा सारी को, परसों तक आपको एन इसका जो है निचोड़ निकाल के दिखाऊंगा कि किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा सरकार के पास सरप्लस है जिसको ये लोग विकास के काम पे खर्च कर सकते हैं। आपने पिछला एक साल निकल गया,
कोविड का बहाना करती है गवर्नमेंट, पिछले 5 साल जो निकले एक भी, अब जो कहते थे कि 22 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 5 वर्ष वो निकाल दिए, 2 साल यहाँ निकलने को गए। आप मुझे बता दो सरकार की तरफ से कोई मेडिकल कॉलेज बनाओ तो। अब फिर कहते हैं कि 3 बनाएंगे, 22 से 3 पे तो आ गए, और इन 3 के लिए कोई जमीन एक्वायर नहीं है, केवल घोषणाएं हैं। सरसा में बनाएंगे, कैथल के अंदर ऑलरेडी जो हॉस्पिटल है, मुझे लगता है उसी हॉस्पिटल को ये मेडिकल कॉलेज का नाम दे देंगे, जो बना हुआ है वहां पे 200 बेड का है, 250 बेड का है, ये बना दिया। एक और तीसरा कहीं दिया था 3 जगह पे बनाएंगे क्या, मुझे नहीं लगता कि कोई मेडिकल कॉलेज बना देंगे, डॉक्टर कहाँ से लेंगे, एनेस्थीसिया के 2 डॉक्टर नहीं है इनके पास, इस कोविड के अंदर इनके पास डॉक्टर नहीं थे, इस कोविड के अंदर जिन लोगों ने सबसे ज्यादा काम किया, जिन लोगों के इन्होंने डेली वेज के ऊपर रखा था, जिनको कहीं डीसी रेट पे रखा हुआ था, उन सबको निकाल दिया बेचारों को। जब काम की जरूरत थी तब तो वो माँ बाप थे इनके, और जब इनका काम निकल गया तो उनके लात मार दी। तो ऐसी सरकार पे कौन भरोसा करेगा, यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं आएगा। आज डॉक्टरों की जितनी बड़ी कमी हमारे यहाँ पे है कहीं भी नहीं होगी। आज कोई हॉस्पिटल में चले जाओ आपको पूरे डॉक्टर मिलेंगे नहीं, तो डॉक्टर नहीं है तो फिर मेडिकल कॉलेज का बना के क्या करोगे आप। चलिए तो आपके स्टडी का इंतजार करते हैं, परसों आप बता रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज हमें आपको जो का लेकर के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक एक चीज का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो अभी पढ़ाई लिखाई जारी है विपक्ष की तरफ से, उधर हुड्डा साहब भी पढ़ रहे हैं, इधर अभय जी भी पढ़ाई कर रहे हैं, अब देखिए रिजल्ट 2-3 दिन में क्या आता है और उसके बाद फिर सरकार की तरफ से उसका रिएक्शन क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।